Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And it is my email ID, and I am discussing topic under the main heading Adult Education, and National Literacy Mission is a major policy program of Government of India under the program of Adult Education. So the lecture will be useful for various competitive examinations, your regular courses, and for your general awareness too. Okay, so let's start. First of all, हम लोग बात कर रहे हैं, हमने एडल्ट एजुकेशन की बात की, हमने प्रौढ़ शिक्षा की बात की, हमने ये बात की कि कैसे उद्भव हुआ है इसका कंसेप्ट का, कैसे कैसे चेंजेस आए हैं इसके बेसिक नोशन में. तो बहुत सारी पॉलिसीज बनती रहीं और सबने एडल्ट एजुकेशन को कवर किया. जब एनपीई 1986 आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 आई, उसने भी एडल्ट एजुकेशन पे बहुत बात की है. और अगर आप थोड़ा भी एनएलएम के बारे में जानते होंगे, नेशनल लिटरेसी मिशन के बारे में, तो वो 1988 में गठित हुआ है, बना है, तो 1986 की रिकमेंडेशन के बाद ही बना है. इसलिए हमको एनपीई 1986 से शुरू करना होगा कि कैसे शुरुआत हुई एनएलएम की और एनएलएम ने क्या क्या किया, क्या क्या उसके प्रोग्राम्स हैं. तो इट वॉज द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 दैट क्रिएटेड फेवरेबल पॉलिसी इन्वायरमेंट फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड एडल्ट एजुकेशन एंड ऑल्सो ब्रॉट फीमेल एजुकेशन टू द फोरफ्रंट ऑफ डेवलपमेंट प्लानिंग. मतलब जब तक आपकी 2020 वाली शिक्षा नीति नहीं थी, तो एनपी 1986 बहुत चीज़ें उसने कवर की थी. बहुत, मतलब आप कह सकते हैं कि 2020 आ गया और हम उसे पूरी तरह शायद लागू नहीं कर पाए या उस तरह से नहीं कर पाए, जबकि उसका पीओए भी बना था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी बना था 1992 में, सिर्फ उसका फॉलो अप देखने के लिए कि कितना हो रहा है, कितना नहीं हो पा रहा है, कितनी क्या दिक्कतें हैं. तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने एडल्ट एजुकेशन को और दृढ़ता से उठाया और बात की कि इस पर और बात करने की ज़रूरत है. क्यों? देखिए, बात ये चल रही थी कि हमको लिटरेसी रेट कम है और हमको लिटरेसी रेट को बढ़ाना है. तो हुआ कि आप एडल्ट जो है, जो फॉर्मल एजुकेशन से वंचित रह गया, आप उसको लिटरेट करेंगे तभी तो आपका लिटरेसी रेट बढ़ेगा ना. तो लिटरेसी रेट बढ़ाने के लिए भी एडल्ट एजुकेशन को प्रमोट करना एक बहुत बड़ा उसका आप कह सकते हैं रीज़न था. तो इन्होंने क्या किया, एनपी 1986 ने ब्रॉडनिंग ऑफ द अप्रोच टू एडल्ट एजुकेशन, यानी कि जो नैरो तरीके से, संकीर्ण तरीके से एडल्ट एजुकेशन को लिया जा रहा था, बात की जा रही थी, उन्होंने उसको ब्रॉडन करने का काम किया. इट आर्टिकुलेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द नेशनल कमिटमेंट टू एड्रेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ इरेडिकेटिंग एडल्ट इलिटरेसी इन ए टाइम बाउंड मैनर विद प्लान्ड कंसर्टेड एंड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स. मतलब पहली बार इस शिक्षा नीति में ये नेशनल कमिटमेंट की बात की गई कि हमको जो वयस्क लोग हैं, जो प्रौढ़ हमारे यहाँ निरक्षर हैं, उनका निरक्षरता का हमको समूल नाश करना है. और टाइम बाउंड मतलब हमको तय कर लेना है कि इतने समय में कर लेना है, हमको नियोजित तरीके से करना है, उसको कोऑर्डिनेटेड तरीके से करना है. द पॉलिसी प्रोवाइडेड इम्पीटस टू डेवलपमेंट ऑफ ए मास अप्रोच टू इरेडिकेशन ऑफ लिटरेसी, इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी होना चाहिए था, विद मास मोबिलाइजेशन एंड सपोर्ट ऑफ डाइवर्जेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, है ना. तो इस पॉलिसी ने कहा कि हम लोग मास अप्रोच की बात करेंगे, मतलब बहुत सारा हमको जनसंख्या है जो निरक्षर है, उसको साक्षर करना है, और हम डाइवर्जेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से मदद लेंगे. मतलब सिर्फ गवर्नमेंट के एफर्ट से नहीं हो सकता है. फिर क्या हुआ, द कैंपेन अप्रोच टू लिटरेसी, गिवन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क इन्वॉल्व इन प्रमोटिंग लिटरेसी अमंग द वास्ट पॉपुलेशन ऑफ नॉन लिटरेट्स, द प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 इंडोर्स पार्टनरशिप बिटवीन द गवर्नमेंट एंड सिविल सोसाइटी एंड पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ ए टेक्नोलॉजिकल एंड सोसाइटल मिशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी. मतलब जो इसका प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, उसने भी कहा कि गवर्नमेंट और सिविल सोसाइटी को आपस में पार्टनरशिप करनी चाहिए और टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल मिशन के तहत हमको निरक्षरता को हटाना है. क्योंकि हमको ये भी देखना होगा कि ये जो समय काल है, उसमें आपका टेक्नोलॉजी आ गया है समाज में और सारी चीज़ों में, शिक्षा में. 1980 के आसपास का समय, 1986 है ना, इसी वक्त राजीव गांधी जी ने बहुत कंप्यूटर और ये सब आ रहा था. तो ये कहा गया कि हम एक टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल मिशन के तहत जो है इलिटरेसी को हटाएंगे. इट प्रोवाइडेड इम्पीटस टू डेवलपमेंट ऑफ ए कैंपेन अप्रोच टू प्रमोटिंग एडल्ट लिटरेसी, यानी कि जो वयस्क साक्षरता को बढ़ाने के लिए कैंपेन अप्रोच के विकास की बात की गई. सब्सिक्वेंटली The mandate of the NPE 1986 was operationalized through the NLM. मतलब जो जो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ने बात की कि हमको ऐसा करना है, ऐसा करना है, उसी को हम यथार्थ रूप में पाने के लिए ही राष्ट्रीय शिक्षा मिशन की स्थापना की गई है 1988 में. आगे मिलेगा आपको. It was launched by the government in 1988. Sorry.
The NLM was culmination of the national efforts to urgently address the problem of widespread illiteracy in the adult population through a massive intervention even before articulation of EFA goals in 1990. देखिए, EFA goals 1990 में माने EFA क्या है? Education for all. सभी के लिए शिक्षा की बात की गई. उसके पहले ही NPE 1986 के जो सिद्धांत, जो recommendation थी, उसको पाने के लिए NLM की स्थापना 1988 में ही कर दी गई कि हमको वाइड स्प्रेड इलिटरेसी को हटाना है बस. The NLM was envisaged as an integral part of the overall development efforts of the country and identified as one of the five national technological missions to apply technology and scientific research to promote literacy. मतलब कि जो भारत के उस वक्त पांच राष्ट्रीय टेक्नोलॉजिकल मिशन चल रहे थे, उसमें से ये एक मुख्य था कि हमको टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्चेस के थ्रू, उसकी सहायता से हमको इलिटरेसी को प्रमोट करना है, इलिटरेसी को हटाना है. इट वॉज ऑल्सो कंसीव्ड एज अ सोसाइटल मिशन to mobilize support of the wider sections of society for the achievement of NLM goals. Technological इसलिए कि हम भाई technology की मदद ले रहे हैं. Science, sociological या societal किस लिए कि हम society की भी मदद ले रहे हैं. भी आप आगे पढ़ेंगे कि NGOs की मदद ली गई, बहुत सारे society के sections जो इसमें involve हुए, क्योंकि केवल government के efforts से आप इतना root, grassroot level पे नहीं काम कर सकते हैं. ठीक है, the idea of a societal and technological mission for eradication of illiteracy added a new sense of urgency and seriousness for improving the literacy situation and positioned the mission as a responsibility of the whole nation, involving all sections of society in implementation of the large-scale literacy program. मतलब जब ये societal हो गया, जब technological हो गया, तो ये एक राष्ट्रीय स्तर का program हो गया, जिसमें हर किसी की भूमिका है, हर किसी को support करना, हर किसी को adult literacy को promote करने में अपना योगदान देना है. ठीक है, फिर है क्या ये, मतलब क्या इसका उद्देश्य था? उद्देश्य ये था इसका कि हम 80 मिलियन इलिटरेट, जो कि 15 से 35 के ग्रुप में है, उसको 1995 तक लिटरेट कर देंगे, फंक्शनल लिटरेसी उसको प्रोवाइड करेंगे. देखिए, हम लोगों को डेवलपमेंट वाला कंसेप्ट पता है, तो हम जानते हैं कि बेसिक लिटरेसी के बाद, सोशल एजुकेशन के बाद फंक्शनल लिटरेसी आई है. तो यानी कि जो लर्नर्स हैं, जो किसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, वोकेशन में इन्वॉल्व है, उनको हम लिटरेसी ऐसी हो जो उसको डेवलपमेंट में मदद कर सके, है ना. तो ये हमारे पास टारगेट था, आप जानते हैं कि पूरा नहीं हो पाया. खैर, अकॉर्डिंग टू NLM अचीवमेंट ऑफ फंक्शनल लिटरेसी इंक्लूडेड, तो इन्होंने क्या सोचा था, फंक्शनल लिटरेसी में हम क्या क्या देंगे? सेल्फ रिलायंस ऑन 3 R, सभी को पता है R के 3 R क्या है, रीडिंग, राइटिंग एंड अरिथमेटिक, यानी कि वो पढ़ सकें, लिख सकें और गणना कर सकें, इतना कर सकें और क्या कर सकें, बिकमिंग अवेयर ऑफ द कॉज ऑफ वंस डिप्राइवेशन एंड मूविंग टुवर्ड्स एमिलियोरेशन ऑफ कंडीशंस थ्रू ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. वो कह रहे हैं उनको पता चल सके कि उनके दुख का कारण क्या है और वो उसको निवारण के लिए आगे बढ़ सकें, वो पार्टिसिपेट करें, वो डेवलपमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें. और acquiring skills to improve one's economic status and general well-being, अपनी खुशहाली के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए व्यक्ति काम कर सके, ऐसा कौशल वो हासिल कर सके. और imbibing the values of national integration, conservation of the environment, women's equality, observance of small family norms, etc. देखिए, आपको पता होगा कि ये वही समय है जब population explosion की बात की जा रही है, जब जनसंख्या वृद्धि के कारणों दुष्प्रभाव से आदमी परिचित हुआ, तो ये कहा गया कि जो पढ़ा लिखा आदमी होगा वो क्या होगा, स्मॉल फैमिली नॉर्म रखेगा, वो विमेन्स इक्वेलिटी के लिए काम करेगा, वो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए काम करेगा, नेशनल इंटीग्रेशन की वैल्यूज में होनी चाहिए. तो ये सब कुछ फंक्शनल लिटरेसी में आ रहा है. सिर्फ इतना नहीं कि आप पढ़ पाते हैं, लिख पाते हैं और गणना कर पाते हैं, और देश से, समाज से और वातावरण से आपको कोई मतलब नहीं है, है ना. फिर क्या हुआ, रीवैम्पिंग ऑफ NLM. बातें इतनी बड़ी बड़ी की गई, ये करना, ये करना, ये करना, फिर देखा गया कि नहीं, कहीं कहीं कुछ अभी भी दिक्कत है, तो उसको रीवैम्प किया गया, उसको पुनर्गठित किया गया, उसको पुनर्सिंचित किया गया कि हमको और बढ़िया करना है इसको. कैसे? इनिशियली द फोकस ऑफ द NLM स्ट्रेटजी रिमेन्ड ऑन मास लिटरेसी कैंपेन. शुरुआत में था कि हमको साक्षर बनाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को, है ना, 80 मिलियन का टारगेट था. इन द एब्सेंस ऑफ इफेक्टिव पॉलिसी, अर्लियर प्रोग्राम्स ऑफ पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन यील्डेड लिमिटेड रिजल्ट्स. आपको पता है जब हम लोग पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कि लिटरेसी से पोस्ट लिटरेसी और पोस्ट लिटरेसी से कंटिन्यूइंग एजुकेशन का कंसेप्ट आया, तो पाया गया कि बहुत छोटा, मतलब सीमित उसका हमको परिणाम मिला. तो इट वाज अरुण घोष कमिटी दैट एम्फेसाइज्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट लिटरेसी एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल लिटरेसी एंड फॉर लिंकिंग लिटरेसी विद डेवलपमेंट इन ए वे दैट इट इज बेनिफिशियल टू द नियो लिटरेट एंड द पुअर.
मतलब अरुण एक कमेटी बनी, उसके चेयरपर्सन अरुण घोष थे, उन्होंने माना कि हमको पोस्ट लिटरेसी और कंटिन्यूइंग एजुकेशन को लेकर चलना है, लिटरेसी को डेवलपमेंट से जोड़ना है जिससे कि वो गरीबों के लिए और जो अभी अभी नए नए साक्षर हुए हैं उनकी मदद कर सके। फिर क्या हुआ, इन द नाइन्थ प्लान जो 1997 से 2002, देखिए हमारा टारगेट क्या था कि 1995 तक हासिल कर लेंगे, नहीं कर पाए तो फिर हमने नाइन्थ प्लान में इसको इंक्लूड किया कि जो 1997 से 2002 तक बना, कि क्या करेंगे हम, एनएलएम्स अप्रोच शिफ्टेड टुवर्ड्स कंसोलिडेटिंग द गेन्स ऑफ लिटरेसी इन प्रमोटिंग पोस्ट लिटरेसी इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन, कि हम उसको आगे ले जाएंगे। चेंजेस इन द एनएलएम्स अप्रोच आर डिस्क्राइब्ड एज रीवैम्पिंग ऑफ एनएलएम, जो हमने उसकी अप्रोच में चेंज किया उसी को हमने रीवैम्पिंग का नाम दे दिया। द रिवाइज्ड अप्रोच ऑफ एनएलएम इज रिपोर्टेड इन ईएफए 2001 असेसमेंट एंड डकार डिक्लेरेशन इज अ रेफरेंस पॉइंट। फिर ये सब क्यों हो रहा है कि ईएफए एक आया 2000 में कि हमको एजुकेशन फॉर ऑल पाना है, जो डकार का डिक्लेरेशन आया उसको रेफरेंस पॉइंट लेके, ये एक पॉलिसी है उसके रेफरेंस पॉइंट में हमने रीवैम्प किया है एनएलएम को, उसकी अप्रोचेस को। कैसे किया है, द एनएलएम कंटिन्यूज टू फोकस ऑन द डिसएडवांटेज सेक्शन सच एज विमेन, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एंड बैकवर्ड क्लासेस इज द मेन टारगेट ग्रुप्स। अभी भी हमारा फोकस यही था कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है कौन कौन है, जैसे औरतें हुई, आपके एससी एसटी हुए, बैकवर्ड क्लासेस हुए। फिर द रिवैम्प पॉलिसी अडॉप्ट्स एन इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मेक बेसिक लिटरेसी पोस्ट लिटरेसी इन कंटिन्यूइंग एजुकेशन फेजेस एंड टू एंड लर्निंग कंटिन्यूम। हमने जो पॉलिसी को पुनर्पादित किया, पुनर्स्थापित किया, तो हमने कहा कि उसको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बना लेते हैं, मतलब जोड़ के चलेंगे। बेसिक लिटरेसी, पोस्ट लिटरेसी और कंटिन्यूइंग एजुकेशन अलग अलग नहीं है बल्कि एक लर्निंग कंटिन्यूम का हिस्सा है। पहले आप लिटरेट हो जाइए, फिर पोस्ट लिटरेसी की बात की और फिर हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग या कंटिन्यूइंग एजुकेशन की बात करेंगे। फिर It is assumed that such approach would achieve continuity, efficiency and convergence and minimum necessary time lag between different phases of learning. The focus of NLM strategy has shifted from mobilization approach to managerial approach for implementation of literacy campaign. हमने उसकी approach को ही बदल दिया कि हम managerial approach से चलेंगे। Major change in the NLM policy क्या हुआ कि हम decentralization of management of adult education from the national to state and district levels and increase in involvement of PRIs, NGOs and the community in implementation of various programs to meet the diversified learning needs of the community। मतलब समझ में आया कि हम decentralize कर देंगे, ये नहीं कि सिर्फ center है वो काम कर रहा है एनएलएम के लिए, आप उसमें स्टेट को इन्वॉल्व कीजिए, उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल को इन्वॉल्व कीजिए, उसमें कम्युनिटी को इन्वॉल्व कीजिए। मतलब ग्रास रूट लेवल तक जब तक आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो इतने करोड़ों लोग जिसका टारगेट है उसको आप कैसे हासिल कर सकते हैं, वो सिर्फ ऑन पेपर रह जाती हैं पॉलिसीज। इसीलिए तो उसमें एनजीओज, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड करने की बात की गई, सारी बातें की गई कि इस तरह से आप एनएलएम को सुदृढ़ करिए। फिर The major thrust of NLM's revised policies on efficient management and delivery of various programs through devolution of financial and administrative powers from national to state level, strengthening and revamping of existing institutions such as state resource centers and Jan Shikshan Sansthans for providing resource support to ongoing programs. वो कह रहे हैं भाई कि आप financial जो उसका power है, जो administrative power है, उसको आप devolve कर दीजिए, उसको आप नीचे वाले स्तर तक लेकर आइए और उसमें आप state को involve कीजिए, NGO को involve कीजिए, ताकि जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं आप उनको सपोर्ट कर सकें। फिर द रिवाइज्ड एनएलएम पॉलिसी एडवोकेट स्ट्रेंथनिंग इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस विद इन द एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड अदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स टू अटेन द एनएलएम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंपार्टिंग फंक्शनल लिटरेसी एंड बिल्डिंग पार्टनरशिप विद अदर एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स। वो कह रहे हैं कि जो नई पॉलिसी आई उसमें उन्होंने कहा कि आप लिंकेजेस बनाइए, आप संबंध बनाइए, जोड़ बनाइए, जुड़ते चलिए, किससे किससे, इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल डिपार्टमेंट से आप लिंकेज कर लीजिए, अदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से कर लीजिए, ताकि आप एनएलएम के ऑब्जेक्टिव्स को पा सकें। प्रोग्राम्स ऑफ एनएलएम की अगर बात की जाए तो मेनली इसके तीन प्रोग्राम है, कल भी हमने बात की थी कि टीएलसी, पीएलपी और सीईपी। टीएलसी क्या है, टोटल लिटरेसी कैंपेन, पीईपी क्या है, पोस्ट लिटरेसी, पीएलपी पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम है और सीईपी क्या है, कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम है। तो पहला जो इसका मेन प्रोग्राम है वो टोटल लिटरेसी कैंपेन है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि टू इम्पार्ट बेसिक लिटरेसी स्किल्स, की हम जो है बेसिक लिटरेसी स्किल्स हमको प्रोवाइड करना है और क्या, टू अचीव प्री डिटरमाइंड लेवल्स ऑफ लिटरेसी, और जो हमने सोच के चलाया कि इतना हम सिखाएंगे उतना सिखाएंगे। टारगेट ग्रुप क्या है हमारा, नॉन लिटरेट, और नॉन लिटरेट इन्होंने लिया कहाँ से, 15 से 35।
ड्यूरेशन हम इसका मान के चले कि 8 से 12 महीने में, मतलब लगभग साल भर में इसको हम सिखा देंगे 200 आवर्स ऑफ लिटरेसी इंस्ट्रक्शंस की बात की गई। और स्ट्रेटजी क्या अपनाएंगे इसके लिए, कैसे करेंगे इसको, तो एरिया स्पेसिफिक, टाइम बाउंड, टोटल कवरेज फॉर गिवन एज ग्रुप, वॉलंटियर बेस्ड, मतलब कोई अपने स्वैच्छिक करना चाहे कि हम मदद करना चाहते हैं, इन्वायरमेंट बिल्डिंग एंड मास मोबिलाइजेशन, इम्प्रूव्ड पेडागॉजी विद एम्फेसिस ऑन लर्निंग आउटकम्स, ये बात की गई टोटल लिटरेसी कैंपेन में। फिर पीईपी में क्या बात की गई है, पीएलपी में, पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम में, कि ऑब्जेक्टिव्स इसके कितने हैं, देखिए कंसोलिडेशन, प्रिवेंट रिग्रेशन टू लिटरेसी, यानी कि हमको वापस नहीं, हमको लौटना है कि अब हम मतलब कि जो लोग नहीं रिजिड होते हैं कि नहीं हमको नहीं सीखना, हमारा ऐसे ही काम चल रहा है। रिमीडिएशन, टू इनरोल ड्रॉप आउट्स एंड इनेबल नॉन अचीवर्स टू अपग्रेड देयर लिटरेसी स्किल्स, जो ड्रॉप आउट हैं, जिन्होंने पढ़ना लिखना किसी कारणवश छोड़ दिया, नहीं हासिल कर पाए, उनको हमको सिखाना है। कंटिन्यूएशन, टू इम्प्रूव लिटरेसी स्किल्स, मतलब आता है आपको लेकिन आप उसको और बढ़िया कर लीजिए। एप्लीकेशन, टू इनेबल लर्नर्स टू यूज लिटरेसी स्किल्स इन डे टू डे लाइफ, उन्होंने सीख तो लिया है पर उसका कोई एप्लीकेशन नहीं हो रहा है तो उनको एप्लीकेशन प्रोवाइड कराइए। स्किल डेवलपमेंट, टू इनेबल लर्नर्स टू एक्वायर स्किल्स फॉर इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, मतलब उन्होंने लिखना पढ़ना आ गया है, जोड़ घटाना आ गया है, तो आप उनको कुछ कौशल सिखाइए। और इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, टू प्रमोट कलेक्टिव एक्शन एंड फैसिलिटेट टेक ऑफ टू कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मतलब वो उसको सतत उसको हासिल कर सकें, बढ़ा सकें, बढ़िया कर सकें। और इनका टारगेट क्या था, नियो लिटरेट, देखिए पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम है, यानी आप उसको सिखाने जा रहे हैं जिसको जोड़ घटाना गुणा भाग साक्षर है वो, तो वो नियो लिटरेट है, या क्या है वो ड्रॉप आउट है प्राइमरी स्कूल का, कि कुछ दिन पढ़ा छोड़ दिया तो थोड़ा बहुत आता है, ठीक है, और ड्रॉप आउट, लेफ्ट आउट ऑफ लिटरेसी कैंपेन, या लिटरेसी कैंपेन के ड्रॉप आउट है, वो हमारा टारगेट ग्रुप रहा। और ड्यूरेशन इसमें भी 12 मंथ्स का लिया गया। और इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी ली गई कि प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन होगा, रीसर्वे, फिर से सर्वे करेंगे, एनवायरमेंट बिल्डिंग करेंगे, मोपिंग ऑपरेशन करेंगे, कंडक्टिंग पीएल एक्टिविटीज करेंगे, स्किल्स डेवलपमेंट करेंगे, इस तरीके से इसको पाएंगे। और लास्ट में जो आपका कंटिन्यूइंग एजुकेशन फॉर नियो लिटरेट है, उसमें क्या है कि टू प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल पीपल बियॉन्ड बेसिक लिटरेसी इन प्राइमरी एजुकेशन, मतलब हमको प्राइमरी एजुकेशन मिल गई, उनको बेसिक लिटरेसी मिल गई, पर हम उनको सतत जीवन पर्यंत शिक्षित रहने के लिए, बढ़िया करने के लिए हमको प्रेरित करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। और हम इसमें कैसे करेंगे कि नियो लिटरेट ना, जिन्होंने कंप्लीट कर लिया है आपका फंक्शनल लिटरेसी पीएलपी, वो हमारा टारगेट है। स्कूल ड्रॉप आउट टारगेट है, पास आउट्स ऑफ प्राइमरी स्कूल एंड एनएफई टारगेट है, ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी इंटरेस्टेड इन अवेलिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग, और वो सारे लोग जो चाहते हैं कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का वो फायदा उठा सके, वो सब इनके टारगेट बने। और ड्यूरेशन इसका कुछ नहीं है, ड्यूरेशन क्यों कुछ नहीं है, मतलब ड्यूरेशन की कोई सीमा नहीं है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग लर्निंग है तो इसका तो कोई ड्यूरेशन आप डिलिमिट नहीं कर सकते। और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजी क्या है, टू क्रिएट एन इफेक्टिव लर्निंग स्ट्रैटेजी, मेक लर्निंग रेलेवेंट, इनकरेज एक्टिव थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, इनकरेज एनजीओज, वॉलंटरी एजेंसीज टू अटेन द ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इनलिस्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, एक्टिव लिंकेजेस विद अदर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, और मेक द प्रोग्राम सस्टेनेबल बाय मेकिंग इट नीड बेस्ड एंड डिमांड ओरिएंटेड, मतलब बहुत आप इसको रेलेवेंट बनाइए, आप इसको इसमें एनजीओज को जोड़िए, आप इसमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए, कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन कीजिए, डिपार्टमेंट के साथ लिंकेजेस कीजिए, ताकि आप इसको नीड बेस्ड बना सके, आवश्यकता पर आधारित होगा तभी कोई सीखने आएगा ना। आजकल सब लोग प्रैग्मेटिक फिलोसफी को फॉलो करते हैं कि जरूरत नहीं होगी तो नहीं जाएंगे, जरूरत होगी तो जरूर आएंगे, ठीक है। और फिर अगर हम इसको कंक्लूड करें कि इन सम द रिवैम्प पॉलिसी ऑफ एनएलएम हैज इंट्रोड्यूस्ड अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एडल्ट एजुकेशन, इट हैज कंटिन्यूड विद द टारगेट ओरिएंटेड अप्रोच, बट देयर इज अ मार्क ट्रांजिशन इन टर्म्स ऑफ कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ डिफरेंट फेजेस, लिटरेसी, पोस्ट लिटरेसी एंड होना चाहिए एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी, ओवरऑल द फोकस हैज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम इररेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी टू रिमूवल ऑफ रेजिडुअल लिटरेसी, मतलब कि हमको मतलब कि निरक्षरता को दूर करना है से हम वहां तक पहुंच गए कि हमको जो थोड़ा बहुत भी रह गया है रेजिडुअल उसको भी हमको हटा देना है, सब बढ़िया बढ़िया करना है। एंड फ्रॉम मोबिलाइजेशन अप्रोच टू मैनेजीरियल अप्रोच इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिटरेसी कैंपेन्स, कंटिन्यूइंग एजुकेशन इज व्यूड एज अ की स्ट्रेटजी फॉर क्रिएटिंग द लर्निंग सोसाइटी, ऑन द अदर हैंड डिवोल्यूशन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स फ्रॉम एनएलएम टू एसएलएमए, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा मिशन से लेके वो स्टेट लिटरेसी मिशन अथॉरिटी तक जाना है, मतलब हमको डिसेंट्रलाइज करना है, सत्ता जो पावर है उसको केंद्र में नहीं रखना है, पावर का विकेंद्रीकरण करना है, ताकि सबके पास पावर हो तो काम आसानी से चलेगा, ताकि फ्लेक्सिबल अप्रोच हो सके, काम चल सके, काम को चलाने के लिए डिसेंट्रलाइज करना होता है, नहीं तो पता चला एक ही आदमी के साइन से वो कागज मूव होना है तो कागज मूव ही नहीं होगा जब तक वो साइन नहीं होगा,
क्या नाम है, ग्रांट रिलीज ही नहीं होगी, है ना। एंड द एक्सपेंडेड रोल ऑफ एनजीओज एंड कम्युनिटी, क्योंकि बहुत हमको कम्युनिटी पार्टिसिपेशन सीख करना होता है, बहुत वॉलेंटियर्स की जरूरत पड़ती है कि संस्थाएं अपने आप जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वो आगे आए और सहयोग दें, तब इतने बड़े बड़े काम सिद्ध हो सकते हैं। आर सम ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिवाइज पॉलिसी ऑफ द एनएलएम। तो इस तरह से एनपीई ने एडल्ट एजुकेशन को फोरफ्रंट पे लाया, उसने कहा कि 1988 में एनएलएम बनाया जाए। फिर आप जब एनएलएम को देख रहे हैं तो आप पा रहे हैं कि वो बढ़िया नहीं कर पा रहा है, तो आप रीवैम्पिंग कर रहे हैं एनएलएम की और 3 प्रोग्राम चला रहे हैं, टोटल लिटरेसी कैंपेन, पोस्ट लिटरेसी प्रोग्राम और कंटिन्यूइंग एजुकेशन। टोटल लिटरेसी में आप सिर्फ लिटरेट कर रहे हैं, पोस्ट लिटरेसी में लिटरेट हो चुके हैं आप उनको और थोड़ा बढ़िया कर रहे हैं, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन में उनको पढ़ना लिखना आता है, जोड़ घटाना आता है, लेकिन आप उनको सतत जीवन पर्यंत आप उनको अपग्रेड करने के लिए और स्किल्स डेवलप करने के लिए काम कर रहे हैं, ताकि राष्ट्र के विकास से जुड़ सकें ये एडल्ट जो निरक्षर रह गए हैं। ये इसका मेन बेसिक फंडा है। ओके, सो ये आपके कोर्स में है, और एक एक इतना बड़ा कार्यक्रम देश में चलता है तो उससे हम लोगों को जानकार होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो जनरली हम लोग छोटे थे तो टीवी पे ऐड आते थे वो पेंसिल में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ऐसे लिखा है वो आता, ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देता था आदमी की है कोई मिशन है, ज़्यादा नहीं पता था, लेकिन इतना कुछ है इसमें जानने के लिए, तो जानिए। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। डन फ्रॉम माई साइड।